हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर रिजोल्यूशन। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो नॉलेजेबल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज की वीडियो में हम विटामिन B12 टेस्ट के बारे में जानेंगे। विटामिन B12 क्या होता है, विटामिन B12 के क्या क्या स्रोत होते हैं, विटामिन बी की कमी होने पर क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, विटामिन B12 का जो टेस्ट होता है वो क्या होता है, क्यों करवाया जाता है, और इसकी क्या कॉस्टिंग होती है, इसके अलावा इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसका सैंपल कब देना चाहिए और इसके हाई या कम होने के क्या कारण हो सकते हैं, यह सभी हम इस वीडियो में डिटेल से जानेंगे। विटामिन B12 क्या होता है? तो रेड ब्लड सेल्स का जो निर्माण होता है वह हमारा विटामिन B12 की वजह से होता है। विटामिन B12 जो होती है वो हमारे DNA में हेल्प करती है, और विटामिन बी जो है वह हमारी बॉडी में जो हमारी बोन्स होती हैं और जो सेल्स होती हैं बॉडीज में उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारा ब्रेन सही से काम करने में हेल्प करता है, जो विटामिन B12 होती है हमारी बॉडी में। विटामिन B12 के क्या क्या स्रोत होते हैं, मीन्स अगर किसी की बॉडी में विटामिन B12 की कमी है तो वह उसको किस तरीके से जो है खाने पीने की किन चीज़ों से कवर कर सकता है। तो जो नॉनवेज वगैरह होता है इसमें मीट, मच्छी, अंडा या फिर जो भी एनिमल प्रोडक्ट होते हैं वह हम विटामिन B12 के ज़रिए जो है वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं वो भी हमारी बॉडी में विटामिन बी को जो है वो प्रोड्यूस करवा, मतलब मिलता है उनसे भी हमारी बॉडी को। इसके अलावा विटामिन B12 की कमी के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं, मीन्स अगर किसी के शरीर में विटामिन बी की कमी है तो क्या क्या लक्षण जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो कमजोरी होना, थकान होना, आलस, चिड़चिड़ापन, हाथ पाँव में झंझनाहट होना या हाथ पाँव के सुन हो जाना, तो ये सभी विटामिन B12 की कमी के लक्षण देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बार बार मुंह में छाले आना, कान का बजना, सांस फूलना, तनाव, याददाश्त कम हो जाना या फिर भूख का कम लगना, त्वचा का पीला पड़ जाना या फिर हमारा जो पाचन तंत्र होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसका वीक होना, ये सभी हमें हमारे लक्षण होते हैं जो हमारी बॉडी में हमें देखने को मिलते हैं इफ़ इनके हमारी बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है। तो अब हम बात करें कि विटामिन B12 टेस्ट क्या होता है। तो विटामिन B12 टेस्ट आपका कराया जाता है आपकी बॉडी में मेज़र करने के लिए विटामिन B12 की वॉल्यूम। अब बात करें यह टेस्ट क्यों करवाया जाता है, तो मुख्य रूप से ये टेस्ट जो है अगर किसी पेशेंट को अनीमिया है तो उस कंडीशन में कराया जाता है, उसके ट्रीटमेंट के लिए कराया जाता है, या फिर अगर किसी पेशेंट में डॉक्टर को लग रहा है कि इसको अनीमिया के लक्षण हैं तो उस कंडीशन में डॉक्टर कराते हैं, या फिर न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिन लोगों को, उस कंडीशन में जो है डॉक्टर साहब का विटामिन B12 का टेस्ट कराते हैं, या फिर बच्चों में रिकेट्स की दिक्कत देखने पर भी यह कराया जाता है। CBC के टेस्ट की रिपोर्ट जो है वह अब नॉर्मल आने पर भी आपका विटामिन B12 का टेस्ट कराया जाता है। अब हम बात करें अगर इस टेस्ट के सैंपल की, तो इसका जो सैंपल है आप कभी भी दे सकते हैं, सैंपल होता है वो आपको कम से कम 8 से 10 घंटे के खाली पेट पर देना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए इफ़ इनकेस अगर आपने कुछ खाया है और उसमें विटामिन B12 है, मतलब विटामिन बी की मात्रा है, तो उस कंडीशन में आपका जो विटामिन बी है वो हाई देखने को मिलेगा। तो इसलिए आपको हमेशा 8 से 10 घंटे के खाली पेट एम्प्टी स्टमक जो है इसका सैंपल देना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका जो सैंपल जो है आपको किस में देना होता है, तो विटामिन B12 का सैंपल जो है वो आपको आपका कलेक्ट किया जाता है SST मतलब सीरम सेपरेट ट्यूब में, या फिर प्लाज्मा सेपरेट ट्यूब में जो है इसका सैंपल आपका लिया जाता है, या फिर रेड वैक्यूम ट्यूब्स जो होती है उसमें सैंपल लिया जाता है। इसकी कॉस्टिंग बात करें तो आप अगर मान लीजिए किसी नॉर्मली लैब से कराते हैं तो 800 हज़ार रुपये तक का हो जाता है, बट अगर आप किसी हाई अच्छी लैब से कराते हैं तो ये आपका अराउंड 1200 तक का होता है। अब हम अगर बात करें इसके नॉर्मल रेंज की
तो इसकी नॉर्मली रेंज आपकी 200 से 835 पिकोग्राम मिलीलीटर पर मिलीलीटर जो है वो देखने को मिलती है। विटामिन B12 के कम होने के क्या क्या कारण होते हैं? तो विटामिन B12 जो है अगर आपकी बॉडी में कम होती है उसका रीज़न हो सकता है कि या तो आप विटामिन बी की जो चीज़ें हैं वो नहीं खा रहे हैं, या अनीमिया या खून की कमी हो सकता है। प्रेगनेंसी के केस में या बेबी जब बर्थ होता है उस कंडीशन में आपकी बी की वैल्यूम कम हो सकती है। आंतों में विटामिन बी का कम अवशोषित होना, या फिर ओवरीज में आपके बैक्टीरिया ग्रोथ होना, या फिर अगर आपने कोई ऑपरेशन सर्जरी कराया है आंतों का, या फिर आपकी बॉडी में ज़्यादा प्रोटीन है तो उस कंडीशन में आपकी विटामिन B12 जो है वो कम देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करें हाई विटामिन B12 की, तो अगर किसी पेशेंट को लीवर डिजीज़ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, क्रॉनिक रीनल फेलियर है, या फिर एक्यूरेट या फिर क्रॉनिक लिकोमिया है, या फिर पॉलीथीमिया, या फिर प्रोटीन की कमी, या फिर क्रोनोसिनेमिया के केस में जो है आपको विटामिन B12 हाई देखने को मिल सकता है।